हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है दीपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 NIOS बोर्ड का जो है बायोलॉजिकल चैप्टर, ठीक है। ये चैप्टर कई मायने में कई क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप अपना जो है सिर्फ इसका जो सिलेबस है वो देखिए, वो इंपॉर्टेंट रखता है मायने। हम जो आज करेंगे टिश्यू एंड अदर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। फ्रेंड, यहाँ पर जो हम करेंगे टिश्यू के बारे में करेंगे और उसके संगठन के बारे में करेंगे कि टिश्यू में कौन कौन से संगठन क्षेत्र होते हैं जो कि उनको एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण बनाते हैं, ठीक है। साथ में हम बहुत कुछ इसके बारे में जानेंगे, टिश्यू के स्ट्रक्चर, टिश्यू के कैसे उसकी जो है फंक्शन क्या होती है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, तो बहुत कुछ और भी चीज़ें जो हमारे लिए इसमें हैं। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है, ठीक है। सब्सक्राइब करना आपके हित में है, इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पर, तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिक्त रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इसे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो की उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवाद ही रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8, 9, 10, 11, 12 CBSE के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ, प्लस जो है NIOS बोर्ड का 10+2 को भी कवर करता है सभी सब्जेक्टों का, प्लस जो है BA पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है, प्लस जो है MA के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए, ठीक है। तो भूलिए मत, ये करना आपका फ़र्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। फ्रेंड, टुडे आई हैव एक्सप्रेस अ टिश्यू एंड अदर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी चैप्टर 5th ऑफ NIOS बोर्ड and the biological plus 2. You have just learned that a cell is the fundamental structure and functioning unit of the organism, and their bodies of organism are made up of the cells of various shapes and size. Group of singularity cells are aggregate to be collectively perform a particular functions. Such a groups of cells are termed tissue. This lesson deal with there are various kinds of tissue and plant and animal. So after the completing this lesson, you will be able to define the tissue and classify plant tissue, name the various kind of plant tissue, and inculcate their tunicles as a corpus theories and histogen theories, and classify the animal tissue and describe the structure and function of the various kind of epithelium tissue. So describe the structure and function of the various kind of connective tissue and describe the structure and function of the muscular tissue. Describe the structure and function of the नर्वस टिश्यू। सो दोस्तों, ये बायोलॉजी का जो चैप्टर है अत्यंत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि हम इसमें उत्तक तथा संगठन के अन्य स्तर के बारे में पढ़ेंगे। और मान लीजिए किसी बच्चे का अगर सिलेबस में उत्तक तथा संगठन के अंदर सतर है, चाहे वो कोई भी क्लास की हो, वो ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उनके लिए, तो उनको भी देखना चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ ये NIOS का, ये ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आपको सिर्फ अपने टॉपिक के हिसाब से जो है लर्न करने की आवश्यकता है कि टॉपिक में आपको गिवन क्या है। अगर ये टॉपिक में है तो इसको बहुत बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। इसमें जो हम जानेंगे, हम पढ़ेंगे कि कोशिका जीवों की मूलभूत संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है जो हम जानते भी हैं, ठीक है। संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक इसका जो है फंक्शन है, और यह किसी भी जीव के शरीर की विभिन्न आकृति और आकार की कोशिकाओं से बनी होती है। सामान्य प्रकार की कोशिका एक विशिष्ट कार्य करने के लिए समुचित या सुनिश्चित हो जाती है। कोशिकाओं के इस समूह को जो है समुचन को ऊतक कहते हैं, और इसमें जो है हम पादप और प्राणी दोनों प्रकार के जो है
कोशिकाओं के बारे में यानी ऊतकों के बारे में जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से कर लेते हैं तो आप बहुत कुछ जान जाओगे कि ऊतक क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या है, ऊतक को हम कितने प्रकार जो है पादप ऊतक उसको कैसे हम वर्गीकृत करें, साथ में जो है ट्विनिक्स कॉपस सिद्धांत जो है उसके बारे में भी जान जाओगे, हिस्टोजेनिक सिद्धांत के बारे में भी, ठीक है, प्राणी ऊतकों के वर्गीकरण के बारे में जान जाओगे, ठीक है, एपिथिलियम्स ऊतक के बारे में जानोगे और संरचना और प्रकार के बारे में भी समझ जाओगे, ठीक है, या संयोजक ऊतक हो उसके बारे में भी, उसका कार्य फंक्शन सब समझ जाओगे, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, तो ये सारे चीज़ें जो है इसमें आपके समक्ष रहेगा। तो आपको इस चैप्टर को जो है ध्यान से देखना है और समझना है कि इसमें जो है आपके लिए उपयोगी क्या है। आवर फर्स्ट टॉपिक इज टिश्यू इज अ व्हाट इज अ टिश्यू, फर्स्ट क्वेश्चन इन अवर माइंड, व्हाट इज अ टिश्यू। फैन द ऑर्गन सच स्टेम एंड रूट इज अ प्लांट एंड स्टमक हार्ट एंड लंग इज एनिमल्स आर मेड अप टू डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू। प्लांट सेल्स देयर स्टेम रूट्स इन अ प्लांट सेल्स एंड ह्यूमन बॉडीज स्टमक हार्ट एंड लंग्स इज अ मेड अप टू द डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू। सो अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल विद अ कॉमन ओरिजिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल विद अ कॉमन ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देयर कॉमन ओरिजिन मीन दे आर डराइव फ्रॉम द सेम लेयर्स डेल ऑन दम लेस देन 20 ऑफ द सेल इज द एम्ब्रियोस begins of the common origin, there is similar in the structure and hence perform their same function. Several types of tissue are organized to form organs. So example, blood, bone and cartilages are some example of animal tissue. Whereas the parenchyma, chloroplasma and xylem and phloem are different tissue present in the plant. This study of tissue is called to the histology. Friend, who is the study of the tissue, it is called to histology. There is important for exam view. The simply represent of tissue, a group of cell with a similar origin, structure and function is called tissue. Friend, here is a group of cell with a similar origin, structure and function is called tissue. An example, bone and muscle in animal is a merit. Stem is the strips of roots and shoot in the plant. So the plant tissue, first of all our topic is a plant tissue. The plant tissue is the mainly of two categories, is a meristematics, G is meritos means dividing, and permanent non-dividing. Permanent is a non-dividing. First of all is a meristematics tissue. They are composed of immature or undifferentiated cells without a intracellular space. The cells may be a rounded oval to the prolongus away, living and thin veiled. Each cell has a abounded a cytoplasma and prominent nucleus in it, and vesicles may be a small or absent. So the types of meristematic tissue, there are types apical meristem. There is a location is the root tips and the shorted tips, and function growth in the length of plants and their branches. And intracellularis meristem at the base of leaves, at the base of internodes. And there is a function is the internodes, growth in the monocots and growth of leaf, lamina and grasses. And the lateral meristem is the location is the cambiums between the xylem and phloem and the cots. Cambians in their cortex of dicot plant, and there is a function is a growth in the thickness of their plant body and secondary growth. Here showing this picture, there are different type developing leaves on show the apical meristem leaves, lateral bord axil of the leaves and vascular tissue of stem and pair. There is the other side is a ABC. There is a right angulars of surface apex and carpels and the cell division. Their apex of meristems and their pyramidal stemmed cells, this is a mature into the vascular tissue, mainly xylem, phloem and the fiber. In this figure, there is a location of the meristematic tissue in a angiospermous plant. There is the three show on this diagram, A and B and C. There is the stem apex of LS and B is the apical meristem and C is the
कैम्बियल स्टैंड यानी लेटरल्स मेरिस्टेम। सेकेंड इज अ परमानेंट टिश्यू। हेयर फ्रेंड परमानेंट टिश्यू आर दोज इन विच इज अ ग्रोथ हैज स्टॉप्ड एदर द कम्प्लीटली आर फॉर देयर टाइम इज बिगेन। सेल ऑफ टिश्यू एंड दिस टिश्यू मे बी आर बिलीविंग टू द डेड एंड द थिंग वॉलिड टू द थिक वॉलिड। एंड द थिन वॉलिड इज अ परमानेंट टिश्यू आर जनरली लिविंग्स वेयर इज देयर थिंग्स वॉलिड टिश्यू मे बी आर लिविंग आर डेड। सो टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू इज अ सिंपल टिश्यू। अ सिंपल टिश्यू इज अ मेड अप टू द ओनली वन टाइप्स ऑफ सेल। कॉमन सिंपल टिश्यू आर प्रोकाइमा क्लोरोकाइमा एंड सक्रोकाइमा। एंड सेकेंड इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज अ मेड अप टू द मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल वर्किंग टूगेदर एज अ यूनिट। कॉमन एग्जाम्पल आर जाइलम एंड फ्लोएम। द स्ट्रक्चर फंक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सिंपल प्लांट टिश्यू इज गिवन टेबल। तो जैसे कि आपको पता है कि ऊतक के बारे में हम पढ़ रहे हैं, टिश्यू के बारे में, तो सबसे पहले क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में एक ही आता है कि टिश्यू होती क्या है, ऊतक किसे कहते हैं। तो कहते हैं कि विभिन्न अंग जैसे कि पौधे के तने, जड़े और प्राणियों के आमाशय, हृदय और फेफड़े विभिन्न प्रकार के ऊतकों से बने होते हैं। ऊतक ऐसी कोशिकाओं का एक समूह होता है जिनका हम उद्भव, संरचना और प्रकार सामान्य होते हैं। इनके सामान्य उद्भव का अर्थ है कि वे जो है भ्रूण में कोशिकाओं के एक ही सतह से विकृत होती है। इनका जो है विवरण हम आगे पढ़ेंगे। तो सामान्य उद्भव के होने के कारण उनकी संरचना तो सामान्य होती है और जो इसलिए वह सामान्य प्रकारें भी करती है। प्रत्येक प्रकार के ऊतक जो है संगठित होकर एक अंग का जो है निर्माण करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाता है। कहते उदाहरण अगर आप देखिएगा तो रुधिर हो, अस्थि हो, उपास्थि हो आदि प्राणियों के ऊतकों के उदाहरण हैं, जबकि जो मृद्र प्रोकाइमा श्लेषो जो श्लेषो तक क्लोरोकाइमा दाड़ू जाइलम जो पोषण वाहन फ्लोएम्स पौधे के विभिन्न प्रकार के ऊतक हैं। ऊतकों के अध्ययन की जो है हम ऊतक विज्ञान या ऑटोक्स यानी हिस्टोलॉजी कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो ऊतकों का जो है अध्ययन किया जाता है, जो टिश्यू को अध्ययन करते हैं, उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। कभी कभी पीएमटी में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो कन्फ्यूजन वाली बात नहीं रहती, अगर आपको समझ है तो ही आप कर पाओगे। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि हृदय किस ऊतक से बने होते हैं, तो अभी तो कहता हूँ कि इसको जब तक आप समझिएगा नहीं चैप्टर को, तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि कौन चीज़ किस चीज़ से बनी है, और इसके लिए जो है समय चाहिए होता है। कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि आपका जो वीडियो होता है 45 मिनट के पार्टों में बटे होते हैं। दोस्तों, आप 5 मिनट में क्या सीख लोगे? आज लेक्चर भी लगती है, वो भी 45 मिनट का, एक आधा घंटा का लेक्चर होता है, ठीक है, जिसमें आपको बहुत बातें समझा जाती है, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ अधूरा रह ही जाता है। तो इसको जो है आप लेक्चर की तरह समझिए, समझे, ये नहीं कि इतना मिनट का है। मिनट तो आपको देना ही पड़ेगा, टाइम तो आपको देना पड़ेगा। जैसे आपको लगता होगा कि डायरेक्टली इसको ये करके बता दिया जाए शॉर्टकट, तो शॉर्टकट तो जिंदगी कहते हैं ना, शॉर्टकट हमेशा जो होता है खतरनाक ही होता है, याद रखना। जो शॉर्टकट अपनाता है उसका हम हमेशा लॉन्ग कट कट जाती है, इसलिए कभी भी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़िए। थोड़ा जो है टॉपिक को अगर आप पीएमटी करना चाहते हो और अच्छे एग्जाम में नंबर लेना चाहते हो तो उसको हर एक पहलू को समझना ज़रूरी है। आजकल मैंने देखा है बच्चों का सिर्फ एक ही जो है माइंड सेटअप हो चुकी है कि मुझे तो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, और याद कर लिया और जाकर लिख दिया और टीचरों ने मुझे पास कर दिया, इतना ही सोच है। किसी के समझ ये नहीं, मैंने आज तक देखा है बच्चों के, कि मुझे समझना है, टॉपिक समझना है, और टॉपिक समझ के ही मैं कुछ कर सकता हूँ आगे। जब आपको टॉपिक ही समझ नहीं होगा तो आप क्या कीजिएगा? अगर टॉपिक समझ में आएगा, जो भी मर्जी क्वेश्चन एग्जामिनर दे दे, चाहे घुमा के दे, चाहे जैसे मर्जी दे, आप उसको करने में सक्षम हो जाओगे। तो इसलिए कहते हैं कि ये मत सोचिए कितना मिनट का है, सोचिए कि आपको किससे क्या प्राप्त हुआ, कितना आपने इसको समझ लिया है, कितना आपको अच्छा लगा समझने में। समय को जो है पाबंद आपके लिए नहीं है, ठीक है, अगर आप समय पर नहीं समझिएगा तो शायद वो हाथ से निकल जाए, तो सोचिएगा नहीं ये बात। आपने ये सिर्फ सोचना है कि आपको समझ कितनी बात आई है और क्या समझ में आई है। अगर वो बात समझ में आ गया तो समझिए कि आपका पीएमटी हो, चाहे आपका आपका जो भी एग्ज़ाम हो, जो भी आप करना देना चाहते हो, सारे आपका जो है क्लियर बहुत आसान तरीके से हो जाता है। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि छोटी छोटी बातें जो मैं बताता हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनिए, ठीक है। इसमें जो आगे बताया गया है ऊतक, देखिए उन कोशिकाओं के समूह को कहते हैं जिनके उद्भव, संरचना और कार्य सामान्य होते हैं। उदाहरण प्राणियों में अस्थि, पेशी और पौधों में जड़े और प्रवाह के शीर्ष पर जो है विभाजक यानी मेरिस्टोम ऊतक होते हैं। अब कहते हैं कि पादप ऊतक क्या होती है, यानी पौधों में जो प्लांट टिश्यू क्या होती है। यहाँ पर जो है प्लांट टिश्यू को दो भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। एक जो है विभाजोतक यानी मेरिस्टोमैटिक्स बताया गया है,
इसमें मेरिस्टोस का मतलब होता है विभाजनशील, अर्थात विजोना विभाजन योग्य, यानी जिसको हम विभाजन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा है अस्थाई यानी परमानेंट, यानी अविभाजनशील, जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो ये दो टाइप्स जो है आपके माइंड में रखना है कि पादप के जो हैं ऊतक दो दो तरह के होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक्स, एक होता है परमानेंट। तो ये चीज़ें जो होती हैं इंपॉर्टेंट होती है, यानी पहले वाला जो है मेरिस्टेमेटिक्स, उसको जो है विभाजनशील होती है, यानी इसको विभाजन हम कर सकते हैं, लेकिन जो अस्थाई है उसको हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, वो अविभाजनशील है, यानी वो परमानेंट है, उसको विभाजन नहीं किया जा सकता। कहते हैं जो पहला है मेरिस्टोमैटिक्स जो है विभाजन तो योग्य है, इसमें जो है अपरिव्यक्त एवं अविभेदित कोशिका का बना होता है, जिसमें जो है अंतर कोशिकाएं अवकाश नहीं होती हैं। कोशिका बिलनकार, अंडाकार और बहुभुज होते हैं। ये कोशिका हमेशा ही जीवित और पतली भित्ति वाली होती है। प्रत्येक कोशिका में जो है प्रचुर मात्रा में कोशिका द्रव्य और जो स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। कहते हैं इसमें रसदानियाँ छोटे आकार की होती, अर्थात होती ही नहीं है। देखिए होते हैं तो छोटे आकार की, और नहीं होती तो होती ही नहीं है इसमें। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो हम विभाजित ऊतक के प्रकार क्या होता है, क्या है इसका है। देखिए इसका प्रकार जो होता है शीर्ष स्थल विभाजक होते हैं, जिसमें जो स्थान कहाँ पाया जाता है, जड़ और प्रवक के शीर्ष पर पाए जाते हैं। इसका कार्य यही होता है कि पौधे की लंबाई और उनकी शाखाओं में जो वृद्धि सर्वसंधि वृद्धि, एक विजयपत्री में जो घासों में प्रम वृद्धि करते हैं, यानी एक विजयपत्री जो होते हैं घास जिसमें एक ही पत्ते पाए जाते हैं, उसमें ये पाए जाते हैं। उसके पश्चात है हमारा अंतवेशी इंटर कैलोरी विभाजक, ये पत्तियों के आधार पर अथवा पश्चसंधि के आधार पर पाया जाता है, ठीक है। उसके पश्व विभाजक, इसमें जाइलम फ्लोएम और कर्क के बीच आधा कैम्बिलियम्स पर, यानी कैम्बिलियम्स द्विपत्री पौधों को जो है वैकुल कैट्रेक्स पर पाया जाता है, यानी द्विपत्री यानी जिसमें जो पत्ते के जो है शाखाएँ बटे होते हैं उसमें द्विपत्री में पाए जाते हैं। इनके जो है पौधे की ऊंचाई और मोटाई में वृद्धि जो है द्वितीय वृद्धि के कारण होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। अब इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है एक आवृतबीजी पादप में विभाजक का स्थान दिखाया गया है, ये कैसे कैसे जो है विभाजित हुआ है। तो इसमें जो है विकासशील पत्तियाँ दिखाई गई है, शीर्ष विभाजक दिखाया गया है, पत्ती के अक्ष में पार्श्व मुकुलन दिखाया गया, तने के संवहन ऊतक दिखाया गया है, मज्जापित दिखाई गई है, ये जो है ए डायग्राम दिखाया, बी का डायग्राम में जो आपको दिखाया गया है और ट्रोनिक दिखाया गया, कोशिका समकोण एवं शीर्ष के सतह पर विभाजित होता हुआ दिखाया गया है, ठीक है। कार्पस दिखाया गया है कि जो सभी तलों में विभाजित होती है, और विभाजक कोशिकाएं दिखाई गई है, और जो इसका सी पार्ट है उसमें दिखाया गया है आपको जो है यहाँ पर देख सकते हो कि एक जो है जालुनुमा बना हुआ है, यानी जो है मधुमक्खी के छत्ते के जैसा डायग्राम बनाया है, जिसमें जो है संवहन ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम फ्लोएम और रेशे के रूप में व्यक्त होती रहती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसको बनाता है। उसके बाद पश्चात हमारे समक्ष है अस्थायी ऊतक, यानी परमानेंट जो है टिश्यू क्या है। देखिए अस्थायी ऊतक वह होते हैं जिनमें वृद्धि या तो पुण्य अथवा कुछ अवधि के लिए रुक जाती है, ठीक है। इन ऊतकों की कोशिका जीवित हो सकती है अथवा फिर मृत्यु, और पतली भित्ति वाली अथवा मोटी भित्ति वाली भी हो सकती है। कहते हैं पतली भित्ति वाले स्थायी ऊतक जो है आमतौर पर जीवित होते हैं, जबकि मोटी भित्ति वाले ऊतक जीवित भी हो सकते हैं अथवा मृत भी हो सकते हैं। उसके पश्चात जो है इसमें स्थायी ऊतकों के जो प्रकार, देखिए जो अस्थायी ऊतक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, उसको हम सरल ऊतक कहते हैं या सम्मिश्रित ऊतक कहते हैं। तो सरल ऊतक तो यही कहता है कि सरल ऊतक जो है केवल एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बने होते हैं, ठीक है। और जो सामान्य सरल ऊतक है जो मध्य पेरिकाइमा, सरसोकाइमा, क्रोडोकाइमा और धीरे तक यानी सरकोडोकाइमा प्रेजेंट होती है, जैसे आगे चित्र में भी दिखाया गया है। उसके बाद समिष्ट ऊतक, समिष्ट ऊतक जो होती है, समिष्ट ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। इसके सामान्य जो है उदाहरण दारू, जाइलम और फ्लोएम में प्रेजेंट होता है। और कहते हैं सरल पादप उत्कों की संरचना और प्रकार और वितरण जो है हम आगे पढ़ेंगे। हमारे समक्ष जो है एक टेबल है, इस टेबल में जो है हम पढ़ेंगे संरचना, प्रकार और विवरण। तो चलिए देखते हैं कि टेबल में हमें क्या मिलता है। हेयर इज द सिंपल प्लांट टिश्यू। व्हाट डू यू मीन टू सिंपल प्लांट टिश्यू? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिंपल प्लांट टिश्यू, एज अ प्रोकाइमा, क्लोडोकाइमा एंड सरकोडोकाइमा। देयर इज द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंपल टिश्यू शो इन दिस टेबल। देयर फर्स्ट टॉपिक इज प्रोकाइमा, दिस लिविंग डेड, इट इज अ लिविंग स्ट्रक्चर, ओवल एंड राउंड थिंग्स वॉल एंड विद अ सफिशिएंट साइटोप्लाज्मा एंड हैज अ परमानेंट एंड न्यूक्लियस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस, वॉल मेड अप टू द सेलुलोज एंड द फंक्शन
टेक अदेयर मेक अ लार्ज पार्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म मोस्ट प्लांट एक्ट एज अ स्टोरेज सेल्स एनक्लोडोकाइमा इज कैरिड आउट ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट इज एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन पिट एंड कलेक्टिव स्टेम एंड द रूट मेसोफिलस ऑफ द लीव्स एंड एंडोस्पर्म एंड द सीड्स एंड जाइलम्स फ्लोएम्स एंड एनक्लोडोकाइमा इज अ वैस्कुलर टिश्यूज. Second is a clodocaima. It is a living cells and the clodocaima containing and chloroplast for them. There are tetrahydrates and clodocaima give a radius to be a resided to a plant body. And there is a clodocaima vascular tissue and they're founded. And second is B part is a endocaima. These are living cells and clodocaima with their large air space of the endosperm space. And they occur in their leaves and the stem of the aquatic plant. The second is a clodocaima is a gigas mean to the collects glue. There is a living cells and the ignited cells is with the thick primary walls, thinking with the more in the corner of the cells. A second ball materials is a cellulose and satin. And the intercellular space is a present. And especially the many dicot leaves and the green stem occur in the peripheral regions, stem and leaves. And third is Sclerochaema. There is a close is the hardly. There is a fiber sclerochaemas. There is a first is a hardly. There are dead. Dead plant is a sclerochaema consists of thick walled cells, walled informally thick within the lesion. A sclerochaema is a mainly the supporting tissue within can be with a standing and the protect their inner thick walled cells from the damage. And their fibers occur in the patches and the contain bond in the various part of the stem, many plant. And the fiber is a dead material. There is ignited cell with the prominent cell wall of thick within the linings. And same their functions. And there is last is a B part is chlorocytes is the dead materials, dead bodies, and they are irregulate in the shape, cells wall very thick and making the cell cavity very small. And there is chlorocytes is there is occur commonly in the fruits and seeds. But in some leaves in a large membranes. Friend, here show the pleurocaima and chlorocaima diagram. There is a very simply is present. They are present of cytoplasma, vesicles, nucleus, thin cells, walls, and air space, and several chloroplasts. Their structure is a show in the same. There is a pleurocaima and chlorocaima. Friend, here a chlorocaima tissue. There is a various type of simple tissue in here. There is a two tissues is present here, 5.3 and 5.4. There is the same structure, thinness ball at the corner at the cells, and thin cellulose ball is where and the large vesicles. The signified is secondary wall thickness and variable. Empty lumens, no livings contains, and no intercellular air space present of here. The diagram is show of totally their pleurocaima, chlorocaima, sclerochaema. दोस्तों हमारे समक्ष जो है सरल पादप ऊतक. देखिए सरल पादप ऊतक क्या है. कहते हैं सरल पादप ऊतक तीन प्रकार के होते हैं. ठीक है, ये तीनों प्रकार के बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन से हैं. तो इसमें सबसे पहले जो आता है मुद्रितक. मुद्रितक यानी मुद्रित प्लस ऊतक से बना जिसको हम पेरोकाइमा कहते हैं. ये एक तरह से हरित ऊतक होते हैं जो क्लोरोकाइमा, वित्तकाइमा और वायु प्लस ऊतक यानी एडेनोकाइमा से बने होते हैं. उसके बाद है श्लेष्म ऊतक यानी श्लेष्म प्लस ऊतक यानी क्लोरोकाइमा. उसका दृंत ऊतक यानी दृंत प्लस ऊतक से बना होता है जिसका अर्थ होता है स्क्लेरोकाइमा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है. इसमें कहा जाता है कि अगर जैसे कि हम टेबल में अभी देखते हैं तो इसमें हमारे जो है सरल ऊतक की संरचना कार्य और विवरण दिया गया है. तो सबसे पहले हमारे समझ होता है मुद्रित यानी पेरोकाइमा. पेरोकाइमा जो होती है ये जो होती है क्या होती है सजीव होती है जीवित होती है लिविंग होती है. और इसकी संरचना जो होती है कुछ इस प्रकार होती है अंडाकार अथवा गोलाकार होती है पतली भित्ती होती वाली होती है जिसमें जो है प्रचुर मात्रा में कोशिका द्रव्य मौजूद होते हैं. ठीक है, इसमें सुपष्ट और केंद्रक और अंतर कोशिका अवकाश होते हैं. इनकी भित्ती जो होती है सेलुलोज की बनी होती है. इसका कार्य जो होता है इसमें अधिकांश पौधों में विभिन्न अंगों के बड़े बड़े भाग बने होते हैं. ये भंडारण कोशिकाओं की तरह कार्य करते हैं. क्लोरोकाइमा में जो है प्रकाश संश्लेषण की जो है संपन्न होती है और ये एक तरह से स्थित हुआ करते हैं. और विवरण अगर आप देखना चाहो तो विवरण में यही बात दिया गया है कि स्तंभ और जड़ जो है पत्तियों और बिस्कुट यानी कंट्रैक्स बने होते हैं. पत्तियों का मध्य पर्ण और मीजोफिल पाए जाते हैं. बीज का अंत बीजाणु एंडोस्पर्म पाया जाता है और संवाहन ऊतक में जो जाइलम फ्लोएम पेरोकाइमा पाया जाता है.
इसको जो है दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, हरित उत्तक यानी क्लोरोकाइमा, ठीक है, ये सजीव होती है, और दूसरा जो है वायु उत्तक यानी एरोक्लोरोकाइमा, इसमें भी ये सजीव प्रेजेंट होता है। कहते हैं ये हरित लवक युक्त यानी क्लोरोप्लास्टमय और बड़े आकार के जो है वायु अवकाश अथवा अंतरकोशिकीय स्थान वाला प्रोकाइमा पाया जाता है। इसी कहते हैं प्रोकाइमा पादप शरीर को दृढ़ता प्रदान करती है, जो कि इसको बहुत ही महत्वपूर्ण बनाता है। ये जो जाइलम फ्लोएम जो है प्रोकाइमा में ही रहती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात रखता है। उसके बाद श्लेष्मा उत्तक यानी क्लोरोकाइमा, ठीक है, जिसका जीके से कलेक्शन मतलब होता है गोंद, यानी आप कह सकते हो गोंद ही है इसका। ये सजीव होती है, कहते हैं दृढ़कृत और दृढ़ कोशिकाएं जिनकी प्राथमिक भित्तियां मोटी होती है, मोटाई कोशिकाओं के कोने में अधिक होती है, भित्ति पदार्थ लोस और पेंटिकट का होता है, अंतरकोशिकीय अवकाश होते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है। कहते हैं पादप शरीर को जो है यांत्रिक आलंबन प्रदान करते हैं, और विशेष रूप से द्विपत्री पत्तियों और हरे स्तंभों को बने होते हैं, यानी द्विपत्री में जो होते हैं ये जो है पाए जाते हैं, ठीक है, स्तंभों और पत्तियों के प्रदेश तो क्षेत्रों में भी पाया जाना इसके विशेषता माना जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है तीसरा दृढ़ यानी स्लोरोकाइमा। स्लोरोकाइमा जो है ग्रीक क्लोरो यानी कठोर दृढ़ रेशे दृढ़ और कोशिकाओं इसके रहते हैं। कहते हैं सारे चीज़ें जो होती है मृत अवस्था में पाए जाते हैं, जो कि इसको एक विशिष्ट और एक सुताड़ू बनाता है। यह उत्तक मोटी भित्ति वाली ऐसी कोशिकाओं का बना होता है जिनकी भित्ति लिनकोन से सामान्य रूप से मोटी होती है, और नुकीले छोर वाली जो है प्रदीर्त कोशिकाएँ होती है। भित्तियाँ मिलेंस जमा होने के कारण मोटी होती है, और जो वेडोल कोशिकाएं कोशिका भित्ति अत्यधिक मोटी, जिसके कारण कोशिका गुहा बहुत छोटी पाई जाती है। ग्रंथि मुख्यतः जो है आधार प्रदान करता है, जो कि दबाव को सहन कर सकता है, और भित्री पत्ती जो है भित्ति वाली कोशिकाओं को जो है क्षतिग्रस्त होने से बचाता भी है। अब कहते हैं इसके रेशे अनेक पौधों में स्तंभ के विभिन्न भागों में खंडों अथवा अविंचनित पट्टियों के रूप में पाए जाते हैं। दृढ़ कोशिकाएँ सामान्य फलों और बीजों में पाई जाती हैं, कुछ पत्तियों में जो बड़ी संख्या में भी पाई जाती है, जो इसकी विशेष में से एक है। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, आप यहाँ चित्र को भी देख के समझ सकते हो कि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। ये जो पहला जो हमारा प्रोकाइमा का है, दूसरा जो है क्लोरोकाइमा का है, यानी विद्युतमय होती है। इसमें जो है काफ़ी कुछ जो होते हैं सामान्य ही पाया जाता है, जैसे कि कोशिका द्रव्य रीतिकाएँ केंद्रक पतली कोशिका भित्ति और वायु अवकाश, और बहुत से जो होते हैं इसमें हरित लवक भी पाया जाता है, जो इसको एक इम्पोर्टेंट बनाता है। इसमें जो बताया गया विभिन्न प्रकार के सरल उत्तक, देखिए इस दूसरा डायग्राम जो है वो भी इम्पोर्टेंट ही है। इसमें भी आप देखोगे कि काफ़ी कुछ जो है सुनहरी दिख रहा है। कोशिकाओं के जो कोने पर मोटी भित्ति पाई जाती है, जहाँ तहाँ पतली सेलुलोज भित्ति पाई जाती है, बड़ी रीतिकाएँ पाई जाती है, ठीक है। इसमें मोटी परिवर्तनशील लगनी युक्त दृढ़ भित्ति पाया जाता है, और एक लिनसोन अवकाश को जीवित पदार्थ नहीं सामान्य ग्रत पाया जाता है, कोई अंतर कोशिका वायु अवकाश नहीं होते हैं, तो ये काफ़ी इसको इम्पोर्टेंट बनाता है। उसके बाद दोस्तों जो हम पढ़ेंगे आगे सम्मिश्रित उत्तक के बारे में, और इसमें जानेंगे कि इसमें क्या क्या पाया जाता है और इसको क्या है। द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। फ्रेंड व्हाट यू मीन टू द कॉम्प्लेक्स टिश्यू? कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेनली ऑफ टू टाइप्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट टिश्यू। देयर इज जाइलम एंड फ्लोएम फॉर द कंटिन्यूली सिस्टम इनसाइड अ प्लांट दैट इज फॉर्म देयर रूट्स थ्रू देयर स्टेम एंड द लीव्स। दे आर नोन एज द वेस्कुलर टिश्यू एंड फॉर्म द वेस्कुलर बंडल इन द रूट्स एंड स्टेम। द जाइलम्स अ ग्रीक जाइलो इट मीन्स वुड, एंड जाइलम इज अ कंडक्टिंग टिश्यू विच इज द कंडक्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट ऑफ वर्ड फ्रॉम टू रूट्स टू लीव्स। एंड जाइलम इज अ कंपेयर टू द ट्रैकोकेड एंड द वेस्कुलस फाइबर एंड जाइलम्स प्रोकाइमा शो इन दिस पिक्चर। एंड सेकेंड इज अ फ्लोएम। फ्लोएम टू इज द कॉन्डक्टेड टिश्यू विच इज द कंडक्ट द मेटाबोलाइट्स ऑफ फूड फॉर द सिंथेसिस इन द लीव्स ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। द फ्लोएम इज अ कंपोज ऑफ स्विस टिश्यू एलिमेंट कंपोजन सेल्स फ्लोएम्स फाइबर एंड फ्लोएम प्रोकाइमा शो इन दिस फिगर। द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लांट टिश्यू इज गिवन टेबल। तो हियर शो द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द जाइलम एंड फ्लोएम। देयर इज जाइलम इज द ट्रैकोइड्स, देयर इज द डेड इज द डेड पार्ट द लॉन्ग सेल विद द पॉइंटेड एंड एंड वॉल थिक्स विद देयर लिजियम दे हैव पोर ऑन देयर वॉल्स। देयर आर फंक्शन टू द ऑल यमीन ट्रैसियस वेस्कुलस एंड जाइलम्स फाइबर देयर मे सेम फंक्शन ऑल ऑफ देम इज अ फंक्शन एज अ
यू नीड टू बी कंडक्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल अब बोर्ड फ्रॉम अ रूट टू द लीव्स दे बेसिकली से डेड पार्ट देयर सेल शॉर्टर एंड बॉडेड देन टू द ट्रेसेस बॉल थिंग्स विद इन द लाइन एंड देर हैव अ स्पोर एंड वॉज ओपन एंड देयर सेल्स जॉइंट टू फॉर द लॉन्ग ट्यूब एंड थर्ड इज जाइलम फाइबर देयर डेड पार्ट द लॉन्ग सेल्स विद अ वेरी थिंग लेगेज डिपोजिशन ऑन देयर बॉल्स नो स्पोर ऑन देयर बॉल्स एंड स्मॉल थिंग्स वॉलेड टू सेल विद एंड जाइलम प्रोकाइमा इज अ लिविंग शेल एंड सो लोस बॉल एंड सेकेंडली इज अ फ्लोएम फ्लोएम सिनेमस ट्यूब्स ट्यूब्स द लिविंग पार्ट देयर इग्नोटेड द सीवेज एलिमेंट ज्वाइन टू द फॉर्म सीवेज देयर ट्यूब्स एंड सेल्स वॉल्स ऑफ द सेलुलोज एंड वॉल्स ऑफ द सेल्स इज हैविंग परफॉर्मेशंस ऑफ देम विच गिव देम टू द नेम्स देयर इज ऑल आर सेम फंक्शन ऑल ऑफ देम द फंक्शन आर देयर यूनिट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड असोसिएशन इन देयर लिस्ट बाय फोटोसिंथेसिस टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट द सेकेंड इज अ कंपोजिशन ऑफ सेल्स एंड द लिविंग एंड द लॉन्ग rectangular cells association with the wheels and the cells and cells balls are made of the cellulose and the third is the phloem fiber the dead part the very long cells with the thick lignified of balls and fourth is the phloem parenchyma there is a living cells ignited cells cells balls is made of the cellulose here show the various types of complex tissue there is the xylem vascular traces and fiber there is the same a multiformation of plate and pads there is a cell pads and other side is the parenchyma sieve tubes and sieve plate the exam time the examiner asking the question for this topic there is important topics of various type of complex tissue there is a favorite for the examiner the theory is or explaining growth of plant at the shoot apex and the root tips There are two important theories that explain the growth of plant as a stemates is a shot and the root. These are there are Tunica's carpus theories and their histogen theory. Friend, the Tunica's carpal theory, Tunica is a carpal theory was developed for the vegetative shoot apex. According to this theory, there are two zones of tissue in the apical meristem and the Tunica is a Tunica means cover, consist of one or more layer of peripheral layers. Of the cells and their corpus. Corpus is a body, or marks of cell enclosed by their tunica. According to the theory, different plans and the rate of the cell division and the method of growth in the apex set apart two regions. The layer of tunica shown in the anticlinics and appendiculars of peripheral of division and varying about the surface growth. In the corpus, cell division in the regulate and at the various plan resulting in the growth in a volume of the marks. A tunica gives to rise to there is epidermis and the cortex. Corpus give rise to be endodermis and pericycles with and their vascular tissue. The histogen theories are according to this theory the apical meristem of the stems are root are composed of small marks of the cell which are all alike and divided faster meristematic. There are mesomatic cells formed to the perimestomes and which are differentials into the three zones. Is the dermatogens, peribulums and the peroromes. And each every zone is a constituent of group of initially is called to the histogen, the tissue builder. There are three is the dermatogens give the rise to the epidermis of stem and epiderma of the root. And secondly the peribulums and the middle layer give rise to a cortex of stem and the root and peroromes is a give rise to be a central meristematic region of pericycles pith and their vascular tissue classify of plant tissue at the gland plant tissue as a meristematic and permanent tissue and here is the meristematic the apicals intercalulars and laterals and there is the permanent tissue is divided by simple and complex tissue And simple tissue is divided by the parenchyma, chlorochyma, sarcochyma. And complex tissue is divided by the xylem and phloem. जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है सम्मिलित ऊतक होती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है ये परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत आता है कहते हैं इसमें जो है दो पार्ट पाए जाते हैं जाइलम और फ्लोएम्स ठीक है जो हम आगे भी समझेंगे इसको डायग्राम फ्लो डायग्राम देख के जिसमें आपको और भी क्लैरिटी आएगी
ठीक है। इसमें समझिए उत्तक जो है प्रधान दो प्रकार के होते हैं, दारु यानी जाइलम और पोषक वाह यानी फ्लोएम। कहते हैं जाइलम और फ्लोएम पौधे के भीतर अथवा जड़ों से लेकर स्तंभ और पत्तियों तक एक अधिविशोधित तंत्र बनाते हैं। इन्हें संवाहिनी यानी वेस्कुलर उत्तक भी कहते हैं और ये जड़ों एवं स्तंभों के भीतर संवाहिनी बंडलों के रूप में विद्यमान होते हैं। कहते हैं उसके बाद जाइलम जो है, जाइलम का मतलब होता है ग्रीक एक्सलो यानी दारु या कष्ट काट कहते हैं। जाइलम एक संवाहन उत्तक माना जाता है जो जड़ों से लेकर पत्तियों तक जल और लवणों का जो है संवहन करती है। देखिए दोस्तों जाइलम का काम जो होता है जड़ों से लेकर पत्तियों तक जल और लवणों का क्या करता है, ये पहुंचाता है यानी संवहन करता है जो इसको विशेष बनाता है। जाइलम जो है होता है ट्रैकोडो वाहिकाओं और रेशों और दारु मत को जो है द्रुत्व को जाइलम प्रोकाइमा का बना होता है। उसके बाद फ्लोएम जो है, फ्लोएम का मतलब होता है पोषण वाह यानी पोषण के वाहन का मतलब समझ सकते हो, जो पूरे प्लांट को पोषण करता हो यानी सबको न्यूट्रिशन देता हो। तो यही बात जैसा नाम से ही पता लगता है इसको, फ्लोएम भी एक समानी उतक है जो पत्तियों में संश्लेषित भोजन को पौधे के विभिन्न विभिन्न भागों तक पहुँचाने का कार्य करता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका कार्य माना जाता है। फ्लोएम भी एक संवहनी उत्तक है जो कि पत्तियों में संश्लेषित भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है। कहते हैं फ्लोएम जो है संचालित नालिकाएं और जो है सच्चर यानी सखी कोशिकाएं और फ्लोएम रेशे फ्लोएम प्रोकाइमा का बना होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है इनके कुछ डायग्राम दिखाए गए हैं जिससे आपको समझ में और भी अच्छे से आ जाएगा कि वाहिकाएँ क्या होते हैं, ट्रैकेट क्या होते हैं और रेशे किस रूप में पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका नामकरण चित्र जो है याद करना अत्यंत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार जो एग्जामिनर जब प्रैक्टिकल होती है तो इसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो ये आपको जो है अच्छे से याद होना चाहिए। इसलिए देखिए दोस्तों ये डायग्राम जितना अच्छे से याद रहेगा, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी रहेगा, उतना ही अच्छा से आप एग्जामिनर को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे डायग्राम भी बनवाए जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाता है। आगे जो है जैसे कि हमने इन जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा है, तो इसको जो है विस्तार पूर्वक जाइलम फ्लोएम के संरचना और कार्य के बारे में जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो हमारा आता है जाइलम। जाइलम में देखिए दो पार्ट को यहाँ दर्शाया गया है, ट्रैकिडो और वाहिकाएँ, दोनों के दोनों जो होते हैं मृत अवस्था में पाए जाते हैं, जो कि इसकी जो है मृत और सजीव में पाया जाता है। उसके बाद संरचना में आप दोनों को देखिएगा, ये नुकीले छोर वाली लंबी कोशिकाएँ भित्ति ग्लैंड और जो कारण मोटी और जो भित्तियों के रंध होते हैं। ट्रैकिडो की तुलना में जो मुकाबले में कोशिकाएं छोटी और चौड़ी होती है और लीलन के कारण जो है भित्तियां मोटी हो जाती है। कार्य जो होता है इसका, जो कार्य जो होता है दोस्तों यही होता है कि ये सभी मिलकर एक इकाई के रूप में काम करते हुए पानी को जोड़े से लेकर ऊपर की तरफ पान पत्तियों तक तो पहुँचाते हैं, यानी जड़ों से लेकर जो है ऊपर पत्तियों तक तो पहुँचाना ही इन सबका काम होता है, चाहे वो वाहिकाएँ हों या ट्रैकिडो हों, सबका यही काम होता है। लेकिन ये सब जो होते हैं मृत अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट बनाता है। साथ में जो है इसका जाइलम रेशे भी होते हैं और जो है जाइलम प्रोकाइमा भी होते हैं। इन सब का जो है मृत, जो जाइलम रेशे होते हैं वो भी मृत अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन जाइलम प्रोकाइमा जो होता है सजीव होता है। तो इसमें यही बात होता है, रंध होती है जिसमें अंतर्भूतियाँ खुली हुई होती है और कोशिका परम्पर जुड़कर एक लंबी नाली बनाती है। लंबी कोशिका जिनकी पत्तियों पर जलन का बहुत छोटा यानी मोटा जमाव होता है, भित्तियों का रंध नहीं होते यानी ये अंतरंधित होती है। जाइलम प्रोग्राम जो कि सजीव होती है, इसमें छोटी पतली जो होती है भित्ति वाली कोशिकाएं जो होती है भित्तियाँ सेलुलोज की बनी होती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद है हमारा फ्लोएम। फ्लोएम तो आपको पता ही होगा कि भोजन जो है विभिन्न विभिन्न भागों में पहुंचाता है, तो इसके भी कई पार्ट होते हैं जो इनके कार्य में सहायता करते हैं। सबसे पहले तो है चालनी नालिकाएँ, यानी ये सजीव रूप में पाया जाता है। इसका यही काम होता है कि दृढ़ चालनी कोशिकाएँ परम्पर जुड़कर चालनी नालिकाएँ बना होता है और कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। कोशिकाओं के अंत भित्तियों पर जो है छिद्र होते हैं और इन कारण इन्हें यह नाम चालनी दिया गया है, ठीक है। इन सब का अगर कार्य देखिएगा तो एक ही है, चाहे वो सहचर हो या फ्लोएम रेशे हो या चाहे नालिका है, सबका एक ही कार्य होता है। ये सभी मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य करते हुए पत्तियों में प्रकाश लक्षण के दौरान बने भोजन को पौधे के विभिन्न विभिन्न भागों तक पहुँचाना ही इन सबका जो है दायित्व और कार्य होता है। उसके पश्चात जो हमारा है इसमें सहचर सखी कोशिका, देखिए ये सजीव रूप में पाया जाता है और इनका जो है चलनी कोशिकाओं के साथ जुड़ी हुई लंबे आकार के आयतकार कोशिका यानी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। उसके बाद है फ्लोएम रेशे जो कि मृत पाया जाता है। इसमें देखिए जो फ्लोएम रेशे वो मृत पाया जाता है, ठीक है, किसमें, फ्लोएम में। और जाइलम में जो था जाइलम प्रोकाइमा जो होती है वो जीवित होती है। तो ये सारे जो है पीएमटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन जो है इसमें फ्लोएम
जो फ्लोएम है उसमें कौन जो है मृत अवस्था में पाया जाता है, तो फ्लोएम रेशे जो होते हैं मृत अवस्था में पाए जाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जाइलम में जो है कौन सी चीज़ जो कौन सी है जो आपके सजीव अवस्था में पाया जाता है, कि सब इसमें मृत अवस्था में पाया जाता है। तो एक्सेप्शनल केस तो यही हुआ ना कि जो जीवित होते हैं, तो जो जाइलम प्रोकाइमा होते हैं वो जीवित अवस्था में पाई जाती है। दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन जो है वहाँ पर पीएमटी में बनता है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब बातें रखता है। तो फ्लोएम रेशे जो होती है मृत अवस्था में पाया जाता है, जो कि बहुत लंबी कोशिका जिनकी भित्ति मोटी जो ग्लुलित यानी ग्लोफाइटा होती है। फ्लोएम प्रोकाइमा जो होती है सजीव होती है, लंबी कोशिका कोशिका भित्ति पतली और सेलुलोज की ये बनी होती है। अब यहाँ पर जो आ गया है पौधे के प्रवशिष्क और जड़ के शिखर पर होने वाले पादप वृद्धि के सिद्धांत। देखिए यहाँ पर दो तरह के सिद्धांत के बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। प्रो और जड़ के सिरों पर होने वाली पादप वृद्धि को समझने के लिए दो प्रमुख सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। ये सिद्धांत है टोनिका कॉर्पसवाद यानी टोनिका कॉर्पस थ्योरी, और दूसरा है उत्तक कंजन वाद यानी हिस्टोजेन थ्योरी। तो सबसे पहले तो हमारे समक्ष यही आता है टोनिका कॉर्पसवाद, यानी इसमें यह बात बताई गई है ट्विनिका कॉर्पस वाद का प्रतिपादन जो है कार्डियक प्रवाह शीश के लिए किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार जो है शीश स्थल यानी विभाजन में उत्कों के दो क्षेत्र होते हैं, एक ट्विनिका क्षेत्र यानी ट्विनिक मतलब आवरण, जिसमें कोशिका एक या अधिक प्रदीर परतों में जो है व्यवस्थित होते हैं, और कॉर्पस क्षेत्र जो होते हैं कॉर्पस सहित या पिंड जो कोशिकाओं की एक सहित या पिंड के रूप में होती है, तथा ट्विनिका के चारों तरफ से जो है ढका होता है। इस बात के अनुसार शीर्ष पर होने वाली वृद्धि की दरें एवं विधियां उसे अलग अलग दो क्षेत्रों में बांट देती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसको बनाता है, ठीक है। इसमें जो कहते हैं ट्विनिका की जो परतों की कोशिकाओं में जो है उपनितिक यानी आर्टिकुलर क्लिनिक्स अर्थात परिधि में अलंबन बनते हुए विभाजन होता है, और इसी के कारण उनमें सतही वृद्धि होती रहती है। कार्पस में जो है कोशिका विभाजन अव्यवस्थित रूप से और विभिन्न समतलों पर होता है, जिनके कारण सतह के आयतन में वृद्धि होती रहती है। कैथेटोनिका से जो है अधिक त्वचा यानी एपिडेमिस और वैकुट कॉन्टेक्स का निर्माण होता है। कार्पस के अंत त्वचा यानी एपिडेमिस परिभ्रम्भ यानी पेरिसाइकल मज्जापथ और जो संवहनी वेकुलर उत्तक के निर्माण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके पश्चात इसमें कहा गया है कि उत्तकजन बाद यानी हिस्टोजन बाद, देखिए हिस्टोजन का भी अपना एक महत्व होता है पौधों में। कहते हैं इसके बाद के अनुसार स्तंभ और जड़ों के जो है शीर्ष तल विभाजक कोशिकाओं की छोटी छोटी के बने होते हैं। ये विभाजक सभी सदृश होते हैं और तेजी से वृद्धि भी करते हैं। ये विभाजक कोशिकाएँ विभाजित होकर प्राकृतिक विभाजक बनाती है, जो कि तीन क्षेत्रों में विभाजित हो जाता है। एक होता है त्वचा जनन यानी डेमोप्रोटोजन, और बिल्कुलजन यानी पेरी विलियम्स, और जो है रमभजन यानी प्लेरिरोम्स में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक क्षेत्र जो है परम्भकों को एक अलग अलग समूह का बना होता है, जिन्हें हम उत्तक जन यानी उत्तक निर्माण कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है त्वचा जन स्तंभों को अधिक त्वचा यानी एपिडेमिस का, और जो है जड़ों को जो है मूल त्वच यानी एपिडर्मिस के निर्माण करता है। कहते हैं वेलिकुटर जो है मध्य सतह स्तंभों और जड़ों को जो है वेलिकुटर यानी कॉन्ट्रैक्स बनाता है। कहते हैं रतम भंज केंद्रीय विभाजक क्षेत्र और परिदेश मज्जा और जो है संबंधित उत्तक का निर्माण करता है। अब यहाँ डायग्राम में जो है एक बात इंपॉर्टेंट दर्शाई गई है कि इनको कैसे आप जो है याद बहुत आसान तरीका से कर सकते हो। तो डायग्राम में जो है बिल्कुल साफ और क्लियर समझाने की कोशिश किया गया है ये, ठीक है। पादप उत्तकों के वर्गीकरण की एक झलक, यानी पादप उत्तक दिया गया है हमारे समक्ष, उसको दो भागों में बांटा गया था। एक आपको पता है विभाजक में बांटा गया था, एक स्थायी उत्तक में बांटा गया था। विभाजक जो था इसमें शीर्ष स्थल था और पार्श्व था, यानी दो भागों में बांटा था। लेकिन उसके बाद जो था अस्थायी उत्तक जो है कई भागों में विभक्त हो गया था। अस्थायी उत्तक जो है दो भागों में बंटता है, एक सरल उत्तक और एक जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, यानी एक तो था सिंपल टिश्यू यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी समिष्ट कहते हैं यहाँ पर। और इसका सरल जो था तीन में विभाजित हुआ था, प्रोकाइमा क्लोरोकाइमा स्क्लेरोकाइमा यानी मृतक श्लेष्मोत्तक द्वितक, और जो इसमें जो है मिश्रित जो थी टिश्यू और दारू और जो पोषण वाह में परिवर्तन हुआ, जिसको हम जाइलम और फ्लोएम के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड तो वन नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल टिश्यू। द एनिमल टिश्यू इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम व्यू द एनिमल टिश्यू एज इन अ प्लांट टिश्यू इन एनिमल आर ऑल्सो बी वेरियस टाइप विच इज परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शन। सी द फ्लो चार्ट गिवन बिलो। हियर इज अ एनिमल टिश्यू, देयर इज अ फंक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। द epithelium tissue, connective tissue and muscular tissue or nervous tissue. I have to
स्टडी इन दिस लेसन देर एपिथेलियम टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू देर इज अ फर्स्ट इज एपिथेलियम टिश्यू इज अ प्रोटेक्शन बाय द कवरिंग सिक्रेशन एंड द अब्सॉर्प्शन एंड सेकेंड इज कनेक्टिव टिश्यू इज अ वाइंडिंग सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट एंड थर्ड इज अ मस्कुलर टिश्यू देर इज अ मोमेंट एंड लोकोमोशन फॉर द बॉडी एंड द नर्वस टिश्यू इज अ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म देर इज अ फर्स्ट इज अ एपिथेलियम टिश्यू The head is the epithelium tissue, the cellular characteristic. The cells forming the epithelial tissue are the closely packed with the non-intracellular space in between and arise from the non-cellular basement membranes are not supplied with the blood vesicles. There is a function of epithelial tissue line their surface, help in the absorption, secretions and also bear a protoplasmic projections such as their cilia. They are shown in this figure and there are shown their tables of epithelium tissue. Here table there is a aqueous epithelium. Their structure is the flattened shell with the central place of nucleus have a irregular margin. And location is the lining of air sac in the lungs. And there is a linings of the kidneys, tubules, lining of the blood capillaries. And function is for the exchange of oxygen and carbon dioxide for absorption for exchange of material. The second is a cuboidal epithelium. There is a cup-like cells with their central place of nucleus cells appear polygons. And there is a linings of salivaries and the pancreatic duct for absorption. There is a working of absorption. And third is a ciliated epithelium. They have a cilia at the free ends. And there are leaving of kidney and tubula. There is a flow of the apparatus, the filtrate. And the next is a fourth columnar epithelium. The long column like cells such that each with their nucleus at the vessel end. And there is a lining of stomach intestine, secretion and absorption for this. And fifth is ciliated columnar epithelium. There is cilia at the free ends and the linings of the trachea. The flow of the fluiding is the particular direction. And six is a brush awarded as columnar epithelium. There must fluid at the free end, fluid looking like a bristles of brushes. And the lining of intestine, the increasing of surface area absorption. Here show this picture the structure of different kind of epithelium tissue. There is a different type of epithelium tissue. The first the basement membrane, central spherical nucleus, basement membrane, cilia. And there are different types of epithelium tissue in animals. If the epithelium cells are the single layer, they form a simple epithelium. It is epithelium cells are arranged in the many layers. They form a compound. Epitheliums are certified epithelium many layers. Certified epithelium is present in the body where there is a lot of wear and tear, for example, of skin and inner lining of cheeks. दोस्तों प्राणी ऊतक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देखिए हमने उससे पहले जो है प्लांट के बारे में पढ़ा था, यानी जो पादप ऊतक के बारे में डिफरेंट पढ़ा था और उसके जो है फ्लो चार्ट को भी देखा था. अब जो है हमारा प्राणी ऊतक के जो है फ्लो चार्ट आपके समक्ष प्रस्तुत है. कहते जैसे कि पौधों में ही होता है, प्राणियों में भी विभिन्न प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं. नीचे दिए गए प्रवाह चार्ट जो है कुछ इसी बात को दर्शाता है. अब देखिएगा कि यहाँ प्राणी ऊतक के जो फ्लो चार्ट है वो क्या कहता है. पहले तो है प्राणी ऊतक, जिसमें जो है उपकला यानी एपिथेलियम संयुक्त ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक पाया जाता है. ये चारों चीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो टिश्यू के अंतर्गत आता है. पहले उपकला जो है एपिथेलियम ऊतक जो होती है ऊपर से ढककर आवरण कर और अवशोषण कर शरीर की रक्षा करती है, जो कि ऊपरी आवरण एपिथेलियम ऊतक कहलाता है. उसके पश्चात है संयोजक ऊतक. एक ऊतक के दूसरे ऊतक के साथ बांधता है, सहारा प्रदान करता है, परिवहन करता है, जैसे कि आपका घुटने होते हैं तो ये जो होते हैं संयोजक ऊतक कहलाती है. उसके बाद है पेशिक ऊतक. ये जो है गति संचलन प्रदान करती है, यानी किसी चीज़ में गति प्रदान करती है. उसके बाद तंत्रिका ऊतक. ये तो पता ही होगा आपको, इसमें नर्वस सिस्टम सारे आते हैं. नियंत्रण एवं संवहन के कार्य करता है, यानी कोऑर्डिनेटर के काम करता है. सारे बॉडी का जो है नियंत्रण इसके ही अंतर्गत रहता है. सबसे पहले हमारे समझ आता है उपकला यानी ऊतक, एपिथेलियम ऊतक. एपिथेलियम टिश्यू जो होती है इसका जो है संरचनात्मक विशेषताएं क्या होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. कहते हैं एपिथेलियम ऊतक बनाने वाले कोशिकाएं होती है, ये पास पास सटी हुई होती है और उसके बीच जो है अंतर कोशिकाएं अवकाश नहीं होता है. अवकाशों की आधारित झिल्ली से उत्पन्न होती है.
इसमें जो रुधिर वाहिकाएँ नहीं पाई जाती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसको रखता है एग्जाम के लिए। ठीक है, इसका जो है कार्य क्या होता है, क्या फंक्शन होती है? यह उत्तक सहायक का ढकता है और अवशोषण में मदद करता है और स्वायत्त करता है तथा इस पर जो है जीवित द्रव्य वही पोषण की मौजूद हो जा सकते हैं, जैसे कि सीलिया में देखने को मिला था। अब कहते हैं कि एपिथेलियम उत्तक के प्रकार कार्य के बारे में जो है हम कुछ चार्ट से भी समझ सकते हैं जो हमारे समक्ष प्रस्तुत है। कहते हैं प्रकार क्या, देखिए सल्कीय उपकला यानी एपिथेलियम सेवेक्समम एपिथेलियम संरचना क्या होती है, कोशिकाएं चपटी होती है जिनके केंद्र में स्थित केंद्रक और अनियमित बाहर सतह होती है। यह स्थान कहाँ पाया जाता है, फेफड़े के वायु में कोशिका स्तर पे या किडनी की नालिकाओं में स्तर पे यानी बुक्कक की नालिकाओं में पाया जाता है और इसमें जो है रुधिर कोशिका का सतर्भ होती है। इसका कार्य जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को जो है विनियम करना होता है और दूसरा कार्य जो होता है अवशोषण के लिए कार्य करता है, पदार्थों का परंपर विनियम करता है और अवशोषण के लिए तो करता ही करता है। सेकेंडली जो है धनाकार उपकला यानी एपिथेलियम क्लूवर बंडल काल कहलाता है। यह धन जैसी कोशिकाएं जिनके जो है केंद्र में स्थित केंद्रक कोशिकाएं बहुविध प्रतीत होती है। ये जो था लार एवं अग्नाशय वहिनाओं के सतर लार एवं श्वेत ग्रंथि में पाया जाता है। ठीक है, ये अवशोषण के कार्य करता है जो इसको बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष तीसरा जो आता है वो आता है जो है पक्ष मी उपकला यानी सिलरोसिस एपिथिलियम। ये दोस्तों जो होती है युक्ति सिरों पर जो पक्षवा सिलसिला मौजूद होती है और कहते हैं ये किडनी वाहिकाओं का स्तर होता है यानी बुक्का वाहिकाएं होती है यानी किडनी के स्तर पे होती है। ये स्वतन के लिए ही इंपॉर्टेंट रहती है। उसका चौथी बात आता है स्तंभ काल उपकला यानी क्लियोमायर्स एपिथिलियम। कहते हैं ऊंची स्तंभकार कोशिकाएं जिनकी आधारित सिरों पर जो है केंद्रक मौजूद हो रहते हैं। ये जो होता है अमाशय और आंत के सतर में पाया जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इसको कार्य होता है। एक विशेष दिशा में जो है तरल पदार्थों का वाहन कर दिया यानी ये देखिएगा तो एक ही दिशा में जो है यानी जो इसके फिक्स होते हैं उसी दिशा में जो है सभी तरलों को क्या करते हैं वाहन करते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है पाँचवा पक्षाम्बी स्तंभकार उपकलाशिली यामी स्तंभकार एपिथिलियम यानी जो होता है ये मुक्त सिरों पर जो है पक्षाम सिलिया प्रेजेंट होती है। ये श्वसन नली का स्तर होता है यानी श्वसन नली का जो है स्तर इसी से बना होता है। इसे कार्य जो होता है स्वयं और अवशोषण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद है आपके समक्ष जो है ब्रूस बंडर युक्त यानी स्तंभकार उपकला यानी वृष वॉर्डर विलियन एपिथिलियम। इसका जो होता है युक्ति सिरों पर अनेक कलन होती है और ये जो होता है आंत्र का स्तर होती है। ये अवशोषण के लिए सदर बड़ी क्षेत्र बढ़ोतरी के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होता है। अब यहाँ पर जो है कुछ डायग्राम शो किया गया है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसके बारे में हमने भी पढ़ा है। सारे चीज़ों के यहाँ पर जो एक साथ शो कर दिया गया है तो विभिन्न उपकला यानी एपिथेलियम उत्तकों की संरचना यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। सारे उत्तक संरचना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम व्यू से भी महत्वपूर्ण रहता है और आपका प्रैक्टिकल व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो सभी में देखिएगा सिलिया कहीं कहीं प्रेजेंट है, कहीं जो है केंद्रीय गोलाकार होती है, आधारित झिल्लियाँ पाई जाती है, आधारित झिल्ली होती है। ठीक है, जीव द्रव्य पाया जाता है शल्कीय एपिथिलियम में, स्तंभ एपिथिलियम्स है। ठीक है, तो सबका जो है अपना एक जैसा ही कार्य रहता है लेकिन ये जो है मनुष्य में या एनिमल्स में बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी अपना अदा करता है जो कि इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट बनाता है। कहते हैं यदि एपिथेलियम कोशिका केवल एक परत में जो व्यवस्थित होते हैं तो ये सरल एपिथेलियम बनती है। यदि एपिथेलियम कोशिका अनेक स्तर में व्यवस्थित होती है तब वह जटिल अथवा सतरी एपिथेलियम यानी बहुस्तरीय बनाती है। सतरी एपिथेलियम शरीर के उन भागों में भी पाया जाता है जहाँ पर अधिक टूट फूट होती है, उदाहरण के लिए त्वचा, गालों का जो है आंतरिक सतर आदि। तो इन क्षेत्रों में भी जो है इन तुकों का पाया जाना जो है एनिमल्स को एक विशिष्ट और अच्छा बनाता है और इसको जो है संरचनाओं को जो है विशिष्ट रूप देता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज कनेक्टिव टिश्यू। द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, द कनेक्टिव टिश्यू हैज अ टू कॉम्पोनेंट इज अ मैट्रिक्स द ग्राउंड एंड सब्सटेंस एज अ सेल्स। द मैट्रिक्स एंड सेल्स इंपॉर्टेंट फॉर अ कनेक्टिव टिश्यू। देयर द मैट्रिक्स एंड सेल्स आर डिफरेंस इन अ डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यू। शो दिस इन पाई चार्ट, देयर इज ग्राफिंग शो द टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज द प्रॉपर एंड फ्लूइड एंड सपोर्टिंग। द थ्री टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर सपोर्टिंग एंड फ्लूइड। द सपोर्टिंग इज डिवाइडेड बाई द टू टाइप कार्टिलेजिस एंड बोन। कार्टिलेजिस एंड बोन मीन्स कार्टिलेजिस बोन एंड सिंपली बोन। The proper bone divided by the three types, alveolus and the adipose and the fibrous. The fluid is the blood and lymph.
देर इज इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन दिस शो इन द चार्ट. द फर्स्ट इज अ प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू. द एरोलर कलर टिश्यू इज द फर्स्ट. देखो मोस्ट वाइडली इज अ सेपरेट द कनेक्टिव टिश्यू. द सेल फॉर्मिंग द टिश्यू आर द फाइब्रोब्लास्ट विच इज अ फॉर्म टू द येलो इलास्टिन्स विद द वाइट कॉटेजेंस फाइबर मैट्रिक्स एंड देर आर मैक्रोफाजिस विच हेल्प द इनफ्लेमिंग बैक्टीरिया एंड मैक्रोपैथोजन एंड मसल सेल्स विच इज द सीक्रेट हेपरिन पेन दैट इज हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. द सेकेंड इज adipose tissue. It has a specialized cells which is a store fat and provide help in their forming of paddings. The fibrous it is mainly made up to the fibroblasts. It is a form of tendons and the ligaments. There is a so in this picture different types of tissue. There is the elastic cartilage, ascending cells, elastic fiber, ascending cells and matrix, ascending cells and collagen fiber. They are important. Here so also the others bones are showing this picture. Their head spongy have with the red bone marrow, compact bone, a spongy bone with the yellow bone marrow, stellate disperses and peristome. There is a matrix congruence and osteocytosis, cytoplasmic connected. There others part and present in this figure. The here show their compacted bones and the arteries and the venous the Harbison canal. The connective bone is a layer is a lamellus. And there is an importance for the human's organ. Here also show that neutrophils, eosinophils, basophils and platelets. There is the lymphocytes and the white blood cells, monocytes. There are some represented types of connective tissue for the human body. There is a B part, the supporting connective tissue. Their supporting connective tissue is two types, cartilage and bone. There is a matrix that is composed of condarings. The cells lies within the matrix singles are the groups of two or four surrounded by the fluid filled space. The cartilage is maybe a elastic was the matrix has a yellow fiber as in the pinea of the ear. This is important. The ears of over the pinea is this is a made by the cartilage boning bone and the nose also. There is a other side is a bone. There is a matrix composed of ossean and the matrix also is containing salt and calcium, phosphorus and the magnesium. The matrix is a mammalian long bone such as the thigh bone is arranged in the concentric ring. The osteocytes as a bone cells lies on the lamel concentric rings in the matrix. Osteocytes give out of branches of processes which are joined with the walls of the adjoining cells. Some bones have a central cavity which contain a tissue that produce a blood cell. The substance contained in the bone cavity is called bone marrow. And cartilage is the cartilage is flexible as a strong types of connective tissue in the most of the vertebra, but as usually according to the part of their endoskeleton. There is a bone. The bone are of two types, spongy and compact. In a spongy bone is the bone cells are aggregate arranged. Such bones are found at the end of the long bones. And other side is the cartilage. The cartilage can be classified is there is a calcium salt and deposited in there as a head of long bone and the bone is in the compact bone. Cells are arranged in the circles are the lamellae around to the central canal there a Harbison canal. The next is C, the fluid connective tissue. The blood and nerves are the two form of fluid connective tissue. The blood it is a complex of blood cells and plasma from the matrix. The blood cells are red blood cells, erythrocytes, and transport for oxygen and carbon dioxide. And second is the white blood cells, the lymphocytes. There is a function in the defense against bacteria. Defense against bacteria and virus and other invertebrates. So white blood cells is important for a human body. And third is a platelets, a thrombocytes. They help in the clotting of blood. Platelets is important for our body because it is a help in the clotting of blood. There is a clotting of blood reason by platelets. The plasma is an extracellular fluid matrix of ground substance. It is a containing a large number of proteins such as a fibrinogen and amphibian. There is globins to be transported to the various part of the animal's body for a various purpose. The next topic is
मसल टिश्यू। दिस इज ए कंपोज ऑफ लॉन्ग एक्सिटेबल सेल्स कंटेनिंग अ पैरल माइक्रो फिगमेंट ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एज वेल एटिन्स माइसिन्स ट्रैपोनाइंस एंड द ट्रैपोमाइसिन। बिकॉज ऑफ इट इज अ इग्लोनेटेड शेप्स मसल सेल्स इज कॉल्ड अ मसल फाइबर। द मसल फाइबर आर वर्टिब्रेट आर देयर थ्री डिफरेंट टाइप्स स्टेरगेटेड अनस्टेरगेटेड एंड कार्डिक्स। कार्डिक्स इज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द शेप एंड फंक्शन इज मेंशन दिस टेबल। हियर टाइप्स ऑफ मसल फाइबर। द फर्स्ट इज सैट्रिट इज अ वोलेंट्री स्केल्टन। सैट्रिट means voluntary and skeleton, their names represented, and second is unsaturated involuntaries, and third is cardiac. There is a first of all location that attached to the skeleton like a head, limbs, face, etc. And unsaturated is in the walls of body organ like a stomach and intestine, and cardiac is the walls of a heart. There is a made of wall of heart is a cardiac. And the shape, you can notice cylindrical unbranched fiber. My fibrous is arranged in their cytoplasm that there are situations seen. There is a spindle shape tapering, and no such strain is seen as the microfiber are not informally arranged. And cardiac is the, you can notice cylindrically branches and strain is steep scenes. The scleroderma is, the thin and the tough membrane sacrolimus of the fiber and cell. The thin cell membranes, no sacrocyma. There very thin is the cardials. There is a nucleus, multinucleated peripheral nucleus. And here, unnucleated central placid. On the nucleus is each unit central placed. The blood supply reaches, and here is a poor, and here is a riches. And the intercadal disc is absent, a voluntary contact with the will. There is a absent, and here is a cardiac is a present. So there is a voluntary contact with it at a will, and involuntary here both side. They here show the smooth muscle fiber. There is smooth muscle fiber is the most important. There is a naming level diagrams, there are nucleus, cytoplasma, cell membranes, and muscle cells present on smooth muscle fiber. And second is a cardiac muscle fiber. Here interacted disc, nucleus, side branches, and fended strands, and cell membranes, and cytoplasma also present. The muscle fiber has been following characteristics, the excitability response to the stimulus, and extensibility is a stretch, and contractibility means contract, and elasticity is a move back to the original position for the features of muscle fiber. यहाँ पर जो दोस्तों हमने संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ना है। देखिए कनेक्टिव टिश्यू जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये शरीर को जो है निर्माण करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है यानी संयोजक ऊतक, ये बहुत ही अपना इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर अदा करता है। कहते हैं संयोजक ऊतक जो होते हैं दो संगठन होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक अधात्री भरण पदार्थ और एक कोशिकीय। देखिए दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनाता है। विभिन्न प्रकार के भोजी ऊतकों में से अधात्री कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती है। यानी जहाँ पर आपने देखा कि अधात्री जो होते हैं ऐसे ऊतक के प्रकार, तो इसमें जो बताया गया है यहाँ पर एक फ्लो चार्ट आपके समक्ष जो है प्रस्तुत किया गया है, जिसमें से ऊतक के प्रकार बताए गए हैं। पहला जो है हमारे समक्ष जो है यथार्थ है यानी प्रॉपर है, अधारी है यानी स्पोर्टिंग है, अधारी यानी सपोर्टिंग, अंतरण यानी फ्लूइडिड है। तो इसमें जो है तीन प्रकार जो है अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है संयोजक को। तो सबसे पहले जो है हमारा प्रॉपर यानी प्रॉपर जो होती है यानी यथार्थ, इसमें जो है एरियोल्स विसियल्स रेशिय आते हैं, जबकि आधारित यानी सपोर्टिंग में आते जो है उपस्थि आते हैं अस्थि आते हैं। यानी उपस्थि का मतलब होता है कार्टिलेजिस एंड अस्थि का मतलब होता है बोन। और यहाँ पर जो है तरल यानी फ्लूइडिटी में जो आता है रुधिर और लसिकाएँ आती है। तो इनके जो है हम विस्तार पूर्वक समझेंगे कि हर का एक अपना एक महत्व होता है। तो चलिए देखते हैं पहला जो हमारे समक्ष है वो है आपको डायग्राम। यहाँ पर जो है डायग्राम में कुछ जो है उत्कों के बारे में बताया गया है, जो है यहाँ आप देख भी सकते हो।
किस्वात्री अधात्री जो है मैक्टोरिक सब चीज़ के बारे में बताया गया कि कौन सा ऊतक जो है किस तरह से दिखेगा। देखिए दोस्तों अगर ये ऊतक के बारे में समझ लेते हो ना तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है, क्योंकि कभी कभी जो है ऊतक को देख के ही हमें समझ में आ जाता है कि ये ऊतक किस लिए और किस बिलोंग करता है। सबके अपने अपने नामकरण है, तो इसके जो है आप लेवल जब बनाओगे एग्जाम में आएगा तो जो है आपको नाम भी याद रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आपको नाम भी दिख रहा होगा तो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो ये 100% समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक बॉन्ड भी दिखाया गया है जिसमें शीश स्पंज अस्थि में लाल अस्थि मज्जा सघन अस्थियाँ स्पंज हड्डियों में पीला अस्थि मज्जा सैफी अधिकांडा तो सारे कुछ जो है प्रेजेंट रहती है जो कि इसको महत्वपूर्ण बनाता है। ठीक है, उसके पश्चात जो हमारे पास यहाँ पर है आप नीचे चले जाओगे तो यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर छोटे छोटे डॉट डॉट जो पदार्थ दिखते होंगे। तो पहला जो है श्वेत कोशिकाएँ हैं, उसके साथ लसिकल जो है फिलामोसाइट्स है यानी एक केंद्रिका है, उसके बाद है मोनोसाइट्स, उसके बाद है न्यूट्रोफिल्स, उसके बाद इसोफिल है, उसके बाद है वेसोफिल यानी इसको क्षार का रागी कहते हैं, उसके बाद जो है आपको प्लेटलेट्स यानी जिसको हम बिंबाणु कहते हैं। प्लेटलेट्स जो है अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देता है, तो इस सबके बारे में हम जो है विस्तारपूर्वक समझेंगे और जानेंगे कि इनका जो है कार्य क्या है, आखिर किस कार्य के लिए दक्ष है और इनका जो है क्या हमारे शरीर में इंपॉर्टेंट रोल है और क्या इंपॉर्टेंट रोल ये निभाते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा आ जाता है यहाँ पर यथासंयोजी ऊतक। देखिए यथासंयोजी ऊतक जो पहला था उसमें जो हमने देखा था एरियोल्स ऊतक देखा था। तो एरियल ऊतक क्या होती है, सबसे अधिक व्यापक रूप से पाए जाने वाले संयोजी ऊतक होता है ये, सबसे अधिक जो है यही चीज़ पाया जाता है जो कि इसको महत्वपूर्ण बनाता है। इस ऊतक में पाए जाने वाले विभिन्न कोशिकाएँ होते हैं जो कि इसको बहुत ही विशिष्ट बना देता है। कहते हैं इसमें जो हमारे जो अगला पढ़ा था हमने रेशक कोरक यानी फाइब्रोब्लास्ट पढ़ा था जो कि अधात्री की पीली यानी स्टोलिस्टिन और सफ़ेद जो है कैलेजन रेशे बनाते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, आपने देखा भी होगा ऐसे फाइबर। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है महाभक्षाणु यानी मैक्रोफॉज, ये जो है जीवाणुओं तथा सूक्ष्म रोगाणुओं के परिग्रहण में सहायता करते हैं। उसके बाद है मास्ट कोशिकाएँ, ये जो होता है जो हेपरोइंस का स्वेत करती है, हेपरोइन रुधिर संगठन में मदद करता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। उसके बाद है वैश्य, वैश्य यानी एपिडिपोस ऊतक यानी वैश्य ऊतक, इसमें एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जिनमें वाशा संचलित रहती है, यानी इसमें जो होता है दोस्तों वाशा संचलित होती है इसलिए इन्हें वाशा कोशिकाएं भी कभी कभी कहते हैं। वाशा कोशिकाएं आंतरिक अंगों के चारों तरफ जो है गरीदार पट्टी बना देती है। देखिए जो वाशा होगा, अगर वाशा नहीं रहेगा तो आपको जो है बहुत तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, जिसमें देखते हो जिस जो बहुत हड्डी होते हैं पतले होते हैं उनको हम सही दृष्टि से भी नहीं देख पाते कि भाई ये बंदे है कैसे, तो जो वाशा होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ अदा करता है। उसके पश्चात रेशिय ऊतक, देखिए रेशिय यानी फाइबर इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मुख्य जो है रेशो कोष जो है इसमें रेशे को कोरको का बना होता है। ये ऊतक जो है स्नायु तथा कंडरा बनाता है, यानी स्नायु जो होती है अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपके जोड़ देखते हो वहाँ पर स्नायु अगर उत्पन्न नहीं होगी होती है तो आपको चलने में जो होता है दर्द होती है, तो स्नायु का भी एक अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसके पश्चात जो हमारे समक्ष आता है दूसरा जो है आधारीय संयोजक ऊतक। देखिए आधारी संयोजक ऊतक आपने देखा था कि उसमें दो चीज़ों में कन्वर्ट हुई थी, एक कार्टिलेजिस में कन्वर्ट हुई थी, एक हुई थी अस्थि यानी बॉन्ड में। ठीक है, तो यानी उपास्थि में थी और एक अस्थि थी दोस्तों, और कार्टिलेजिस आ जाता है तो याद रखना वो उसे उपास्थि कहते हैं और ये बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, ये आपके कान होते हैं, नाक के ऊपर वाले पार्ट होते हैं, तो ये सारे कार्टिलेजिस के बने होते हैं। ठीक है, ये बॉन्ड होते हैं बट ये बहुत फ्लेक्सिबिलिटी बॉन्ड होते हैं, तभी तो देखते हो कान में अगर आप छेद करते हो तो इसका कोई असर आप लोगों पर अधिक नहीं पड़ता है। ठीक है, और वही बॉन्ड में अगर छेद किया जाए तो वो आपके लिए खतरनाक सिद्ध होता है। तो ये कार्टिलेजिस बॉन्ड होते हैं। ठीक है, इसकी जो है कहते हैं जो सबसे पहले हमारा उपास्थि आता है यानी कार्टिलेजिस बॉन्ड है, उसकी क्या विशेषताएँ हैं, कहते हैं इसकी अधात्री जो है कांड्रीन की बनी होती है और यह अधात्री कोशिका या तो एकल रूप से अथवा दो या चार के समूह में स्थित होती है। इन कोशिकाओं के चारों तरफ से जो है तरल में भरे हुए स्थान होते हैं। उपास्थि लचीले हो सकती है जिसके अधात्री में पीले रेशे होते हैं, जैसे कि बाहरी कान जो है कर्ण पट्टल में होता है, यानी आपने पीनियस देखा होगा कान के तो उसमें जो है ये पाया जाता है, यानी आप कान को भी छुओगे जितना मरोड़ोगे तोड़ोगे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये कार्टिलेजिस बोन्स के बने होते हैं। आगे दूसरा पार्ट ये बताता है अस्थि। देखिए दोस्तों इसको जो है अधात्री यानी आसीन की बनी होती है और अधात्री में जो है कैल्शियम फास्फोरस मैग्नीशियम लवण भी विद्यमान होते हैं।
तभी कहते हैं ना कैल्शियम अत्यंत महत्वपूर्ण होता है बोन के लिए। असंधारियों की लंबी अस्थियों जो दर्द जैसे कि जांग की स्थितियों में अधात्री सकेतित बल्लियों के रूप में व्यवस्थित होती है। देखिए यहाँ पर अस्थव अणु यानी अस्थि प्लस अणु अस्थि कोशिकाएं या पटिकाणु पर अधात्री सकेंद्रीय बल्ले पर व्यवस्थित होते हैं। कहते हैं अस्थव अणुओं में जो सकेत प्रबद्ध निकलते हुए होते हैं जो कि सीमावर्तीय अस्त्र अणुओं के प्रबंधन के साथ जुड़े होते हैं। कुछ अस्थियों में एक केंद्रीय गुहा विद्यमान होती है जिसमें एक उत्तक होता है जो कि रुधिर उत्पन्न करता है। अस्थि गुहा के भीतर स्थित पदार्थों को जो है अस्थि मज्जा कहते हैं। ठीक है, जो अंदर उपस्थित होती है दोस्तों उसको क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा। इसका सेकेंड पार्ट यही बात बताती है कि अधिकांश जो है कशेरुकों को उपास्थि नम यानी लचीला और जो है सशक्त प्रकार की संयोजी ऊतक होती है। आमतौर पर यह उनके जो है अंत कंकाल का कार्य भी करती है। दूसरा जो है अस्थि, उसमें अस्थियों की दो प्रकार की होती है, स्पंजी और ठोस। स्पंजी अस्थियों में कोशिकाएं अनियमित रूप से व्यवस्थित होती है। ऐसे अस्थियां लंबी अस्थियों से सिरे पर पाई जाती है जो कि काफी महत्वपूर्ण होती है। उसके पश्चात है उपास्थि। देखिए उपास्थि जो होती है कैल्शियमभूत हो सकती है। ऐसी उपास्थि की जो है अधात्री में कैल्शियम लवण जमा होते हैं। कैल्शियमभूत उपास्थि लंबी अस्थियों के सिरों पर पाई जाती है। देखिए ये जो उपास्थि होती है बहुत लंबी होती है यानी कैल्शियमभूत होती है और इसमें कैल्शियम की जो लवण होते हैं वो जमे होते हैं, यानी उपास्थि में जो होता है कैल्शियम के लवण जमे होते हैं, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखते हैं। यहाँ पर जो अस्थि के बारे में बताया गया है वो कुछ इस तरह से बताने की कोशिश कर रहा है कि ठोस अस्थियों में कोशिकाओं के केंद्रीय नाल पटिकाओं यानी हेवल्स नाल के चारों तरफ वृत्त या पटिकाएं यानी लैमोली के रूप में व्यवस्थित होता है जो कि इसको एक विशिष्ट और खास बनाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है तरल संयोजी ऊतक। देखिए नाम से ही आपको समझ में आएगा तरल संयोजी ऊतक यानी जो है तरल की बात कर रहा है यानी पानी रूपा चीज़ों की बात कर रहा है। तो तरल के रूप में तो आपको पता ही है कि हमारा जो है रुधिर ही पाया जाता है या प्लाज्मा ही तरल रूप में पाया जाता है हमारे बॉडी में। तो रुधिर और लसिका तरल संयोजी ऊतक के दो रूप हैं, यानी रुधिर भी है, रुधिर का मतलब ब्लड, लसिका या लिम्फस जो है तरल संयोजी ऊतक के रूप में पाया जाता है। कहते हैं रुधिर एक जो है समिश्च है जो कि रुधिर कोशिकाएं और प्लाज्मा के मेल से बना है। प्लाज्मा इसकी अधात्री का कार्य भी करता है, यानी इसका जो है अधात्री का कार्य जो है प्लाज्मा का ही कार्य होता है। कहते रुधिर कोशिकाएँ लाल रुधिर कोशिकाएँ यानी रक्त जो रक्ताणु रक्त प्लस अणु यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो है परिवहन करता है। रक्ताणुओं को लोहित कोशिका भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे बॉडी में जो है जो हार्ट है सारे जगह के ब्लड को रिसीव करता है और लंग्स में जाकर प्योर होके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्टों में भेजा जाता है। इसमें जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करके जो है हमारे शरीर के विभिन्न विभिन्न भागों में भेजता है। तो ये भेजने का काम जो होता है हार्ट का होता है, तभी तो हार्ट जो है हमारा पंचिंग करती है। ठीक है, उसके पश्चात सफ़ेद रुधिर कोशिकाएँ। देखिए दोस्तों श्वेत का मतलब और श्वेत का अणु यानी श्वेताणु, श्वेत प्लस अणु यानी जीवाणुओं विषाणुओं और शरीर के भीतर घुसने वाले अन्य रोगाणुओं के विरुद्ध जो है ये एक तरह का रक्षा कवच का काम करता है। यानी व्हाइट ब्लड सेल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि ये एक तरह से रक्षक का काम करता है। आपके शरीर में अगर बैक्टीरिया वायरस या कोई भी रोगाणु एंट्री करता है तो सबसे पहले जो है व्हाइट ब्लड सेल जो है उसके से दो चार हाथ करता है। ठीक है, अगर वो कमज़ोर पड़ जाता है व्हाइट ब्लड सेल तो वो बीमारी जो है आपके अंदर जो है घर कर जाती है और आपको बीमार कर जाती है। तो इसलिए सफ़ेद रुधिर कोशिकाएं जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है इंसानीय शरीर में। ठीक है, उसके पश्चात है बीमाणु यानी ये बीम अणु से बना जिसको हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ये रुधिर संगदर में मदद करते हैं। ठीक है, रुधिर को संगदर यानी इसको है थक्का बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगर देखिए दोस्तों बीम अणु जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं अगर ये उपस्थित ना हो तो आपका जो ब्लड है वो थक्का नहीं बनेगा, और थक्का नहीं बनेगा तो आपको पता है थोड़ा भी चोट लगेगा तो आपके बॉडी से सारे के सारे ब्लड जो है बाहर बह जाएगा, और जैसे ही ब्लड बहेगा आपको पता है इंसान की मृत्यु हो जाएगी क्योंकि मेन तो कार्य हमारे शरीर में ब्लड का ही होता है। अगर ब्लड ना रहे तो इंसान की मृत्यु जो है संभव होगा, इसलिए प्लेटलेट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है मानव शरीर में क्योंकि ये जो होता है ब्लड को बहने से रोकता है और वहाँ पर जो है थक्का बना देता है। उसके पश्चात जो है कहते हैं लसिका अधात्री और कोशिका वार है, तरल है अर्थात भरण पदार्थ है। इसमें अनेक प्रकार की जो है प्रोटीन मौजूद होती है जैसे फाइब्रोबिनोजन, एम्बुलबीन्स, ग्लोबिन्स, जिन्हें हम विभिन्न कार्यों के लिए प्राणी शरीर के अलग अलग भागों तक पहुँचाती है।
उसके पश्चात है पेशी ऊतक। देखिए दोस्तों, पेशी ऊतक भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं पेशी ऊतक लंबी उत्तेजनशील कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, पेशी ऊतक जो होती है लंबी उत्तेजनशील कोशिकाओं का बना होता है, जिसमें प्रोटीन के जो है अनेक समांतर रूप से व्यवस्थित संकुचनशील सूक्ष्म तंतु होते हैं, जैसे एक्लिकन, मायोसिन, टैपोसिनिन्स और टैपोमाइसिन। अपनी लंबी आकृति के लिए पेशी कोशिकाओं को पेशी रेशे भी कहते हैं, यानी कोशिकाओं को पेशी रेशे के नाम से भी जाना जाता है। अपनी आकृति और कार्य के आधार पर जो है कशेरुकी प्राणी के पेशी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला जो हो जाता है आपको रेखित, अरेखित और हृदय पेशी। देखिए दोस्तों, ये अत्यंत महत्वपूर्ण होती है रेखित और रेखित और पेशी जो हृदय की पेशी ऊतक में पाया जाता है। मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि हमने हर एक अंग को देखना है कि किस टिश्यू से बना हुआ है। तो यही तो कहते हैं, ऐसे ही पढ़ने से हमें समझ में आता है कि भाई कौन सी चीज़ों से क्या बना हुआ है। हम तो लेते हैं और ऊपर से पढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि हमें सब कुछ समझ में आ गया। लेकिन दोस्तों, आपके अपने लैंग्वेज में, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, आपके समक्ष पढ़ाने वाला व्यक्ति अब आ चुका है। त्रिपान स्टडी सेंटर जो है सदैव इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन करता है। ठीक है, और आपको हर एक पहलू को समझाने की कोशिश करता है। तो आप भी जो है त्रिपान स्टडी सेंटर को आगे बढ़ाइए। ठीक है, और इसको और भी विस्तृत बनाइए, दोस्तों से शेयर कीजिए। जितना ये लाइक शेयर सब्सक्राइब होगा उतना त्रिपान स्टडी सेंटर जो है विस्तृत होगा और आपके लिए जो है हर एक पहलू, हर एक चीज़ों का जो है विस्तार पूर्वक अंडरस्टैंडिंग के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, क्योंकि पढ़ते समय और समझते समय सोचना नहीं होता है, सिर्फ सब्सक्राइब के बटन पे हाथ जाता है और दूसरा लाइक पे जाता है और जो है अपने गुरु को शुक्रिया भी अदा करना होता है। तो यही आपके लिए शुक्रिया अदा करने का एक जो है मार्ग है, जिसको आप सब्सक्राइब, लाइक करके और दूसरे से शेयर करके कर सकते हो। देखिए दोस्तों, जो सही है वो सही है, जो गलत है सो गलत है। कहते हैं कुछ पाना है तो कुछ करना भी है। सोचिएगा कि देख लिया, समझ लिया और परे मारा, तो शायद आप आने वाला कुछ अच्छे वीडियो से भी अनभिक्त हो जाओगी। क्योंकि मैं नहीं चाहता जो बच्चे मेरे साथ जुड़ गए हैं उनको जो है अगला वीडियो प्राप्त ना हो। तो वो प्राप्त तभी होगा जब आप सब्सक्राइब करके रखोगे। नहीं समझ में आता दोबारा देखिए, 100% मुझे विश्वास है कि समझ में आपको जरूर आ जाएगा। तो चलिए, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन हमारा जो टॉपिक था अभी वो था रेखित, अरेखित और हृदय पेशी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसके जो है इनके अंतर देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले रेखित आता है, जिसको आप इच्छुक कंकालीय कहते हैं। इच्छुक का मतलब होता है जो आपकी इच्छा से चलता है, और रेखित मतलब होता है अनिच्छुक, जो आपके इच्छा से नहीं चलता। उसके बाद है हृदय यानी कार्डिक्स। ठीक है, तो ये तीनों जो है अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो सबसे पहले रेखित आता है, दूसरा नंबर पर आएगा अरेखित, और तीसरा नंबर पर हृदय आएगा। देखिए इसमें जो है स्थान क्या दिखाता है रेखित के लिए, कंकाल पर लगी होती है, जैसे कि सिर, हाथ, पैर, चेहरे आदि की पेशियां जो होती है वो रेखित का बना होता है। अरेखित जो होती है शरीर के अंग जैसे अमाशय, आंत आदि की भित्ति में। देखिए अमाशय जो होता है अरेखित होता है, यानी अनिच्छुक होती है, ये आपकी इच्छाओं से कार्य नहीं करती है। जबकि मुंह आप फुला लेते हो, पैरों के हिलाते हो, वो सारे सारे जो है ऐच्छिक कंकालीय हैं, आपके अपनी इच्छाओं से चलते हैं। हृदय जो होते हैं हृदय की भित्ति में पाया जाता है यानी कार्डिक्स में। उसके बाद आकृति है, कहते हैं आकृति जो है लंबी बेलनकार अक्षित्र रेखे से पेशी तंतु को यानी जो है मायोफाइबिल्स में प्रेजेंट है, और कोशिका द्रव्य में इस प्रकार के व्यवस्थित होते हैं कि रेखाएँ नजर आती है। दूसरा जो है अनच्छी को है तर्कनुमा तकली जैसी संकुधार होती है, क्योंकि पेशी तंतु सामान्य रूप से व्यवस्थित नहीं होते हैं, इसलिए धाड़ियां दिखाई देती है। ठीक है, इसमें जो है आपको कार्डिक्स में जो बताया गया है लंबी बेलनकार रेखीय और धाड़ियां दिखाई देती है। उसके बाद है पेशी चोल यानी सैक्रोलेमा, यानी सैक्रोलेमा जो होता है रेशे कोशिकाएं की पतली किंतु कठोर झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, उसके पश्चात अनिच्छुक में जो होता है पतली कोशिका झिल्ली जो है पेशी चोल नहीं होता है, और ये जो हृदय में होती है वो पतली पाई जाती है। तो ये जो है अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है केंद्रक। देखिए कहते हैं बहुकेंद्रकीय कोशिकीय परिधि है। ठीक है, यानी ये रेखित के लिए होता है, और रेखित के लिए होता है एक केंद्र की युक्त केंद्र में स्थित होता है, और हृदय के लिए होता है प्रत्येक इकाई में एक केंद्र
जो है केंद्रक केंद्र के स्थित होते हैं। उसके बाद रुधिर संभर, देखिए ये प्रचुर होती है बट ये जो होती है अरेखिक में कम होती है क्योंकि अरेखिक में जो है ब्लड की आवश्यकता नहीं होती है इतना, जबकि हृदय में प्रचुर मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद है अंतनिवेशित डिस्क, यानी इसमें नहीं होती है और इसमें जो है अरेखिक में नहीं होती है जबकि जो हृदय में होती है। कहते हैं ये ऐच्छुक होता है यानी संपूर्ण इच्छा पर निर्धारित होती है, अनैच्छिक जो होते हैं इच्छा के बिना होता है यानी इच्छा के बिना ही एक कार्य करता है, आपको इसको करने की आवश्यकता नहीं होती है। और जो ये लास्ट जो हृदय होती है और अनैच्छिक होती है, तो अनैच्छिक जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट मान्य रखता है जो कि विशिष्ट होती है। तो इस तरह से जो है दोस्तों आपके समक्ष जो है डायग्राम भी यहाँ प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, सबसे चिकने पेशी शरीर ऐसे हैं जिसमें केंद्रक पेशी कोशिकाएँ कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली पाया जाता है। तो पहले डायग्राम में इन चीज़ों की जो है विस्तृत जो है वर्णन है। दूसरा जो आपके समक्ष प्रस्तुत होगा वो है आपको हृदय पेशी रेशे में यानी कोशिका प्रणाली की भी जो है पेशी ऊतक है। ठीक है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें भी आप देखिएगा तो अंतर्निवेशी डिस्क पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, पार्श्व शाखा पाया जाता है, धुंधली पट्टी रेखी धमनियाँ पाई जाती है, हृदय पेशी रेशे पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाया जाता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड महत्वपूर्ण रखता है। तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, लेकिन साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इसके जो है पेशी रेशे के कुछ विशिष्ट लक्षण भी होते हैं। देखिए दोस्तों लक्षण भी जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है। कहते हैं सबसे पहले तो लक्षण में यही आता है उत्तेजनशीलता, यानी उत्तेजनशीलता होती है काफ़ी उत्तेजनशीलता, उद्दीपन के प्रति जो है अनुक्रिया करता है, कोई उद्दीपन होता है उसके प्रति जो है इसका अनुक्रिया रहती है। उसके बाद है हमारे समक्ष प्रसरणीयता, प्रसरणीयता का मतलब होता है विनियमता यानी तरण, इसका आप समझ सकते हो, आपको इंग्लिश में भी वहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, उसके पश्चात है संकुचनशीलता, संकुचनशीलता यानी सिकुड़ने की क्षमता जो होती है कितनी होती है, यानी सिकुड़न कितनी इसकी जो है होने की संभावना बनी रहती है। उसके पश्चात जो है लास्ट है प्रत्यास्थलता, यानी ये जो है वापस अपनी मूल्य स्थिति में पहुंच जाते हैं, यानी आपस जो है ये अपनी मूल्य अवस्था में पहुंच जाता है जो कि इसको बहुत ही विशिष्ट और प्रवृत्त बनाता है। दोस्तों इसी के साथ जो है हमारा टॉपिक ये ख़त्म हो रहा है। अगला पार्ट जो है हम सी पार्ट में करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आगे जो है हम तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे या नर्वस सिस्टम के हर एक पहलू के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि वो भी एक टिश्यू है और उसमें जो है और भी जानकारी आपके लिए भरा पड़ा है। तो आप इसके जो है एक भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, जो है सी पार्ट जो है इतना महत्वपूर्ण होगा कि इसमें आप हर एक बात को जो है अंडरस्टैंडिंग कर सकोगे। तो कहते हैं इसको एक ही बात दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा जो है अधूरा रह जाए और मेरे वीडियो से अनभिक्त रह जाए, क्योंकि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक ही बात चाहता है कि ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है दूसरे बच्चों को तो ज़रूर पहुँचाइए और दूसरा बच्चा जो है क्या पता समझ जाए और उसको जो है कुछ काम आ जाए, क्योंकि कहते हैं जग कल्याण ही एक मानव कल्याण है। हम तो हर जगह पढ़ते हैं कि जो है किसी व्यक्ति का हेल्प करना किसी दूसरे की सहायता करना कहते हैं परम धर्म है, इंसानों का जो है कर्तव्य है। तो ये कर्तव्य आप निभाइए क्योंकि देखिए ये मेरा तो था आप तक पहुँचाने के लिए जो माध्यम था वो मैं आप तक पहुँचा दिया, अब दूसरे बच्चे तक कैसे पहुंचेगा ये आपको माध्यम बनना है और आप जब तक माध्यम नहीं बनिएगा तब तक दूसरे बच्चे जो होगा इस वीडियो से अनभिक्त रहेगा। तो ऐसा त्रिपान स्टडी सेंटर नहीं चाहता है, वो चाहता है कि हर एक बच्चों तक ये वीडियो जो है पहुंचे और इसका जो है ज्ञान उन तक पहुंचे। तो दोस्तों सोचिए नहीं विचार नहीं कीजिए, इसको व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए चाहे इस बच्चों के जो है मोबाइल पर शेयर कीजिए, ठीक है जहाँ जैसा कीजिए ये आपको आता है मुझे नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि आप मुझसे अधिक तेज हो मोबाइल के समझ में, क्योंकि मोबाइल जो है आप लोग सदैव अपने हाथों में रखते हो, तो इसको जितना हो सके फैलाइए, जितना हो सके दूसरे बच्चों तक शेयर कीजिए पहुंचाइए, तभी जो है त्रिपान स्टडी सेंटर आपके और आपके भाई बहनों बच्चों के लिए बहुत अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेगा और हर एक क्लास के बारे में जो है बताने की कोशिश करेगा विस्तृत। तो सोचिए नहीं विचार नहीं कीजिए, शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी साथ में कीजिए। ओके, इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपान से संदर्भ आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपान लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च
को त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरी वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने की मेरा क्या जरूरत है त्रिपान श्री सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपान श्री सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th+2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6th सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपान श्री सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।